नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बिहार के कई राजनीतिक दलों का भविष्य भी दांव पर लगा हुआ है। जेडीयू, एलजेपी, आरजेडी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने भी दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ा है और जाहिर है जब चुनाव के नतीजे सामने आने वाले हैं, आज नतीजों का दिन है, रुझान सामने आ रहे हैं, तो ये सवाल वाजिब हो जाता है कि इन पार्टियों का क्या होगा, बिहार के इन राजनीतिक दलों का भविष्य क्या होगा। तो इनके भविष्य पर भी आज फैसला होने वाला है। जेडीयू को लेकर हमारे पास जानकारी है, जेडीयू को लेकर हमारे पास खबर आ रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर लड़ा था। जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी मिलकर चुनाव लड़ी थी यहाँ पर, और जेडीयू को 2 सीटें दी थी बीजेपी ने, बुराड़ी और संगम विहार। और इन दोनों सीटों से सीटों को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक इन दोनों सीटों पर जेडीयू पीछे चल रही है। यहाँ से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बुराड़ी और संगम विहार से जेडीयू के उम्मीदवार पीछे चल रहे हैं। और इन इलाकों में आप जानते हैं जेडीयू ने अपनी पूरी ताकत झोंकी थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने पूरी ताकत लगाई थी बुराड़ी में और संगम विहार में। नीतीश कुमार ने खुद चुनावी सभा को संबोधित किया था। बुराड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया था। और संगम विहार में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ नीतीश कुमार ने प्रचार किया था, चुनावी सभा को संबोधित किया था। लेकिन जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक मेहनत सफल होती नहीं दिख रही है नीतीश कुमार की। प्रचार काम नहीं आ रहा है और ये प्रयोग भी कारगर होता नहीं दिख रहा है। जो प्रयोग किया गया है इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में, पहला मौका था जब बिहार के बाहर जेडीयू ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया, बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी। झारखंड में अकेले चुनाव लड़ी थी और इससे पहले दूसरे राज्यों में जेडीयू अकेले चुनाव लड़ती रही थी। और इस बार ये प्रयोग किया गया था, गठबंधन का विस्तार हुआ था। जेडीयू दिल्ली विधानसभा का चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ी थी, लेकिन ये प्रयोग भी सफल होता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अभी बेहद शुरुआती रुझान है और इन रुझानों को नतीजों में बदलने में थोड़ा वक्त लगेगा। खबर यही है अभी कि संगम विहार और बुराड़ी से जेडीयू पीछे चल रही है। पूरा जो आंकड़ा है वो यह है कि 70 विधानसभा सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। 52 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, 18 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और कांग्रेस के हिस्से में रुझानों के मुताबिक एक भी सीट जाती नहीं दिखाई दे रही है। तो इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचें। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।